हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वराज बेकिंग रूम। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपने पहले ही देख लिया कि हम लोगों का डिज़ाइन आज कस्टम डिज़ाइन है, एरोप्लेन का थीम है और विदाउट फॉन्डेंट मांगा था हम लोगों को कस्टमर ने। क्लाउड्स जो एयरप्लेन बनाया सारा हमने क्रीम से ही बनाया। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अपना ट्यूटोरियल देखते हैं। तो ये ऑर्डर चॉकलेट केक था। इसका लेयरिंग फिलिंग कैसे करते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। और इसका साइज़ 4 इंच है, हम बेंटो वगैरह 4 इंच में ही देते हैं, मिनी केक्स भी बोला जाता है वैसे। अभी हमने क्रम कोट करके फ्रीज़र में सेट कर लिया कुछ देर के लिए। अभी हम इसका फुल कोटिंग करेंगे, फुल कोटिंग वाइट क्रीम से ही करेंगे और एक टाई डाई वाला इफ़ेक्ट देने के लिए ब्लू और थोड़ा पिंक ऐसे मिला के साइड में दे देंगे। आपको अच्छे से फिनिश कर लेना है। अभी मैंने एक कार्ड ही लिया है वैसे, कार्ड की मदद से आप कर सकते हो। और ऐसे कार्ड में ही अपना जो जेल कलर है उसको वैसे डाल के साइड में स्क्रेप कर लिया, आप देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, कोई बोल वगैरह और गंदा करने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक स्क्रेपर में ही आप आराम से कर सकते हो। तो अभी हमने साइड का आराम से फिनिश कर लिया है। आज लाइटिंग कुछ ठीक नहीं है, बाहर का मौसम भी काफ़ी क्लाउडी है, तो ऐसे हमने ऊपर भी फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हो एक पैलेट नाइफ की मदद से। और अभी हम इधर एयरप्लेन ड्रॉ करेंगे। आप, मैं फ्री हैंड कर रही हूँ यहाँ पे। आप अगर ऐसे आपको दिक्कत आती है तो एक पेपर कटआउट के मतलब हेल्प से भी आप ऐसे लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो दो ही एयरप्लेन लगाएंगे क्योंकि 4 इंच का केक है, इतना सारा अकोमोडेट नहीं होएगा इधर। तो अगर एक ही बार में आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर से आप कर सकते हो स्क्रेप कर करके। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। अभी हमने ब्लू एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, ब्लू कलर व्हिपिंग क्रीम में ही करके, और जो लाइन लगाया है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ऊपर से आपको ऐसे फिल कर लेना है। पहले आपको इसका आउटलाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद फिल करना है। और एसिटेट शीट आपको कोई सा भी स्टेशनरी दुकान में भी मिलेगा, आजकल बेकरी शॉप्स में भी अवेलेबल है, एसिटेट शीट आप ख़रीद लीजिए। उससे ये सारा जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते हैं ना, जहाँ पे डिटेलिंग का ज़्यादा काम होता है क्रीम में, तो ऐसे सारे डिज़ाइंस में वो काफ़ी काम आ जाता है, तब उसका ध्यान रखिए। ये नॉर्मल स्क्रेपर से नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आउटलाइन लगा लेना है, फिर उसके बाद जो अंदर का गैप है उसको फिल करना है। और ऐसे छोटा सा एसिटेट शीट से आप ये काट सकते हो, छोटा सा एसिटेट शीट से आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है, तब आपका जो फिनिश आएगा वो एकदम फॉन्डेंट जैसे आएगा। और मतलब जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कहीं पे एयर बबल ज़्यादा दिख रहे हैं, फिनिशिंग अच्छा नहीं है, वापस करिए, कोई बात नहीं, टाइम लगा के कीजिए। बस फिनिशिंग का आप ध्यान रखिए कि कस्टमर को कभी दिक्कत ना हो फिनिशिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एयरप्लेन बना लेंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और अभी हमको नाम लिखना है। और जब भी आपको पाइप करना होगा कुछ लिखने के लिए, तो इसका ध्यान रखें कि जो आपका क्रीम है वो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में रहे, तभी आपका अच्छे से पाइप होगा बिना कोई एयर बबल्स के, ठीक है। तो अभी हमने पाइप कर लिया है, और अभी हमको थोड़ा क्लाउड्स बना लेना है। क्लाउड्स भी हम लोगों ने फ्री हैंड ही बनाया है, और एक पाइपिंग बैग बिल्कुल छोटा, एकदम टिप छोटा करके कट करके ये हमने आउटलाइन और फिल वगैरह कर दिया है। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कीजिए। अगर यही स्टेप आप नहीं कर सकते हो अच्छे से, तो आप जो प्रिंट आता है प्रिंट भी लगा दीजिए। बस क्लाइंट को ये बोल दीजिएगा कि वो आइदर, अगर एडिबल प्रिंट है वो तो खा पाएंगे, लेकिन अगर इनएडिबल है तो क्लाइंट को ये आप बोल दीजिएगा कि वो उठा के साइड कर दे काटने के टाइम। तो अभी हम क्लाउड्स बना लेंगे अच्छे से, आप देखिए और सीखिए कैसे आपको एसिटेट शीट यूज़ करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको लगाना है। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन आते हैं आपके पास नए नए वीडियोस लेके, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है, अ वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू गाइज़। और अभी हम
एक पार्चमेंट पेपर में एक पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये काम आप बहुत हल्के हल्के हाथों से कीजिए ताकि आपका मतलब ये ख़राब ना हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और तभी आपको बहुत कुछ नए नए सीखने को मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टूडल्स।